पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की। बीजेपी फिल्म बनाती है, केरला फिल्म का बदला कर्नाटक में मिल तो गया, अब तो यार चुप करो बेसर मो। सरकार परेशान है अंदर ही अंदर। अरे खुजला रहे हैं मोदी जी ऐसे करके, यार क्या हो गया कर्नाटक में, क्या हो गया? बजरंग बली ने बजाया भैया दे गदा दे गदा के शैतान हार गया। शैतान कौन है? शैतान वो है जो झूठ बोले। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी। जब 350 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर था ना, इन्हीं दिल्ली की हर लाल बत्ती पे सुईती रानी ऐसे लेट जाती थी सिलेंडर लेके, हाँ झूमती थी, हाय महंगाई हाय महंगाई हाय। अब कहाँ गई सुईती रानी जी, 1100 का सिलेंडर है। ए बहन मैं भी तेरे साथ बैठूंगा। अरे राम को बदनाम कर रहे हो यार, धर्म के नाम पे पागल नहीं बनेगी जनता। 50 साल नजर नहीं आओगे जानी, 50 साल नजर नहीं आएगी बीजेपी। गारंटी दे रहे हैं तनवीर भारती, गारंटी दे रहे हैं, वरना तनवीर भारती बोलना छोड़ देंगे यार। अगर तुम 2024 में आ गए ध्यान रख लेना, झूठ बोलने वाले बार बार नहीं आ सकते। तुमने बोला था मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं दी। तुमने बोला था 15 लाख दूंगा, नहीं दिए। क्यों? जब मान पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, जब पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की, बीजेपी फिल्म बनाती है, बीजेपी फिल्म जनता को दिखाती है। जनता कौन सी होती है? वो बजरंग दल वाले, हिंदू वाणी वाले, गौ रक्षा वाले। अरे मुझे तो दिखाते नहीं है वो फिल्म। आप हिंदू नहीं है यार? मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, मैं फिल्म देखूंगा। वो बीजेपी वाले मुझे क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते मैं बताऊं? मैं उसकी पोल पट्टी खोल दूंगा आके, इसलिए नहीं दिखाते। अरे भैया केरला फिल्म का बदला कर्नाटक में मिल तो गया, अब तो यार चुप करो बेसर मो। अब बेटिया रोड पे निकल गई है दिल्ली के भाई। अब बेटिया रोड पे निकल चुकी है दिल्ली के, जनता और आएगी। 25 दिन से बेटियां, लेकिन सरकार के कान पे चूने रहे। नहीं, सरकार परेशान है अंदर ही अंदर। अरे खुजला रहे हैं मोदी जी ऐसे करके, यार क्या हो गया कर्नाटक में, क्या हो गया? क्या हो गया? ये जूते बज गए। अरे बजरंग बली ने बजाया भैया दे गदा दे गदा दे गदा। बाकी तो जीत ही रहे, बाकी था क्या? हारे कहा थे तुम? बाकी हारे कहा थे तुम? एक बात बताइए, हाँ जी, खुश हो गए? आपका बेटा का नाम काट देगा आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ बोलने पे। हाँ सरकार के खिलाफ हम बोले, डर नहीं लगा? सरकार के खिलाफ नहीं बोला मैं, सिस्टम के खिलाफ बोला। वो प्रिंसिपल, वो टीचर, सारे के सारे एक कमरों में भर के बैठ जाते हैं, अपनी अपनी क्लासों में नहीं रुकते। जब वो अपनी अपनी क्लासों में नहीं रुकते तो बच्चे खेलते कूदते हैं, झगड़े करते हैं, मारा पीटी करते हैं, तो कसूर किसका है? सरकार का नहीं है, सिस्टम का है। भूषण के खिलाफ जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, तो लोग कह रहे कि राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे लोग। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा। और एक बात सुन लो, अगर कोई किसी भी पार्टी का किसी समुदाय का मानने वाला आदमी, अगर उसका जमीर जिंदा है, वो यहाँ आके बेटी के हक में 2 बात कह रहा है, तो उसका कोई वो नहीं करा जा सकता कि वो राजनीति कर रहा है। कहने वाले कहते रहो, ये कोई राजनीति है? बेटियों के ऊपर राजनीति घटिया लोग करते हैं। मेरा गैंग ही नहीं है, मैं तो तनवीर भारती हूँ यार, आजाद उम्मीदवार हूँ, मेरा कोई गैंग ही नहीं है। कर्नाटक सरकार जब जीती है तो सर, बस वो तो इसलिए कि शैतान हार गया। शैतान कौन है? शैतान वो है जो झूठ बोले। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी। कहाँ लग रहा है झूठ बोल रहा है? हा? क्या झूठ बोल रहा है? जम के खड़े हो ना सुनने के लिए? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ क्या बोला था तुमने? हाँ। मित्रों बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार आएगी बेटी सुरक्षित होगी। ओ क्रिमिनल लोगों, अरे देखो बेटियां रो रही हैं, बेटियां रोडों पे घूम रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं। जालिमों कब दोगे? बिरजभूषण को कब गिरफ्तार करोगे? करो अभी करो, आज ही करो। 25 दिन हो गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, छाती फटी जा रही है। बेटी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो सोच रहे कि हमारी छवि खराब हो जाएगी अगर हमें अभी पकड़ लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है तनवीर भारती सुनो, अभी पकड़ लोगे मोदी जी तुम्हारी छवि बच जाएगी, बाद में पकड़ोगे ना, 13 महीने के बाद में गिरफ्तार करोगे मोदी जी, तुम्हारी छवि नहीं रहेगी। क्योंकि चुनाव में तो 7 महीने बाकी है। क्या होगा 7 महीने में? अभी मान जाओ, गिरफ्तार कर लो। क्यों नहीं बोल रही है?
स्मृति ईरानी वो बहन को पैरालाइज हो गया है, पैरालाइज हो गया उसको, कोमा में चली गई महिला का। अरे यार झूठ बोल नहीं, बहन कह रहा हूँ यार, काम बांध कर रहा हूँ, बहन कह रहा हूँ यार। ऐसी बात कह रहे हो, सुनो ना भैया, जब 350 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर था ना, इन्हीं दिल्ली की हर लाल बत्ती पे स्मृति ईरानी ऐसे लेट जाती थी सिलेंडर लेके, झूमती थी, आए महंगाई, आए महंगाई, आए। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, 1100 का सिलेंडर है। ए बहन मैं भी तेरे साथ बैठूंगा। क्यों यहाँ पे? अरे यार शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो यार सिलेंडर को, बेटी के लिए बोल कुछ स्मृति ईरानी बहन, वरना मैं तो समझूंगा तुझे वाकई पैरालाइज हो गया। फिर अपमान कर रहे हैं महिला का। यार क्या करूं, महिला के लिए क्यों नहीं बोल रही? अपमान नहीं है, बेटी के लिए क्यों नहीं बोल रही? अरे एक चीज बताइए ना, अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि धरना खत्म करिए, घर जाइए, जांच होने दीजिए, आप लोग मान का गिरफ्तारी करिए ना, गिरफ्तारी करिए ना, पागल बनाते रहोगे क्या? अब नहीं बनेगी जनता पागल, टाइम लगता है ना, आपको नहीं पता है। अच्छा मेरे लिए कानून अलग, तुम्हारे लिए कानून अलग, बड़े बेशरम लोग हो यार। इसके लिए अलग है यार, मैं क्या कह रहा हूँ, यही धारा, यही FIR मेरे खिलाफ हुई होती ना, अब तक तुम मुझे 50 बार गिरफ्तार कर लेते। कौन करता गिरफ्तार? अरे पुलिस यार। और क्या, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो पुलिस को कह रहा हूँ, प्रदेश में देख रहे हो क्या हो रहा माफिया। अब लेकिन सुनो यार, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? नीत वो है ना अमित शाह जी, अमित शाह जी वो फित्ते उतार देंगे, फित्ते भैया इसलिए डर रहे हैं। अरे यार वो नंबर होते हैं भैया, हर जगह नंबर होते हैं, यानी अगर मैं पकड़ लूंगा तो मेरा नंबर कम हो जाएगा एक। वो क्यों करेंगे, बीजेपी सरकार माफिया को खत्म। हाँ अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे, आज गिरफ्तारी हो जाएगी। योगी जी विपक्ष को मार के कहते हो माफिया खत्म कर दिया हमने, यानी जो 5 बार 6 बार MLA बने तुम्हारे सामने वो माफिया है। अरे यार इसका मतलब प्रयागराज की जनता को पागल समझते हो क्या, कि वो बार बार अपराधी को जिताते रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता, सुशासन राज स्थापित हो रहा है। पता नहीं कैसा यार, वह बेटियां दुखी हो रही हैं, जनता दुखी हो रही। अरे राम को बदनाम कर रहे हो यार, रामराज राम को बदनाम कर रहे हो यार। मोदी जी हाँ 24 बजा रहे हैं, टाटा भाई भाई होने वाला है। कैसे है टाटा भाई भाई? देश की जनता समझ चुकी है, ABM खुल गया, ABM सुधर गया। ये ABM है ना, ये वाला ABM जनता का सुधर चुका है। जनता क्या बोलेगी? हाँ अब धर्म के नाम पे पागल नहीं बनेगी जनता। हाँ बटन दबाएगी, 50 साल वैकेंसी नहीं है, 50 साल नजर नहीं आओगे जानी, 50 साल नजर नहीं आओगे, 50 साल नजर नहीं आओगे, 50 साल नजर नहीं आएगी बीजेपी। गारंटी दे रहे हैं तनवीर भारती, गारंटी दे रहे हैं, वरना तनवीर भारती बोलना छोड़ देंगे यार, अगर तुम 2024 में आ गए, ध्यान रख लेना। और ना मेरी कोई राजनीति है, ना मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ना विधानसभा लड़नी है, गरीब आदमी हूँ, आधी मुंह से ज्यादा उम्र कट गई है। क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 24 में आ रहे हैं फिर से? अरे झूठ बोलने वाले बार बार नहीं आ सकते, काट की हांडी दो बार चढ़ चुकी है दोस्त। तुमने सच क्या बोला, मुद्दे पे आओ, सच क्या बोला तुमने? तुमने बोला था मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं दी। तुमने बोला था 15 लाख दूंगा, नहीं दिए।